सभी लोगों ने तो बॉलीवुड मूवी देखा होगा सिंघम वाला। जब वो वीडियो रिलीज हुआ था तो ऐसा लगता था कि यार ऐसा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा उसको देखकर हम मोटिवेट होते थे और लगता था यार ईमानदारी का जो तबका, ऐसा पुलिस ऑफिसर हर जिले में हर जगह पे होना चाहिए। ये बात हो रही रील्स वाली, लेकिन आज बात होने वाली रियल सिंघम के बारे में। एक ऐसा चेहरा जो पूर्व आईपीएस बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमिल के अन्नामलाई के बारे में आज चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उनको तमिल का हनुमान मानते हैं, बजरंग बली मानते हैं, जो 400 पार का नारा वो पार लगाएंगे के अन्नामलाई में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज हम चर्चा करने वाले के अन्नामलाई के बारे में। 26 जुलाई 2016 में एक घटना होती है तमिल के अंदर, एक जिला पड़ता उडुपी जिला पड़ता, उस उडुपी जिला के अंदर पुलिस अधीक्षक जहाँ ऑफिस होती है उसके सामने बाहर हजारों की तादाद में लोग भीड़ लगी होती है। भीड़ इसलिए लगी रहती है, अक्सर हम देखते हैं कि जो भीड़ होती है ना वो पुलिस के खिलाफ होती, पुलिस जो होते हैं गलत करते हैं जिसके खिलाफ होती है, लेकिन ये जो भीड़ होती है ये पुलिस के खिलाफ नहीं बल्कि के अन्नामलाई के पक्ष में होती, उनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए ये भीड़ खड़ी होती ताकि उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए। वो लाखों दिलों पर राज करने वाले के अन्नामलाई पर एक बार की घटना हो तो चल जाता, लेकिन दूसरी बार भी यही घटना होता है। 2018 के अंदर वो पुलिस अधीक्षक के बाहर भीड़ लग जाती, उस बार भी भीड़ इसलिए लगती है ताकि उनका ट्रांसफर रुक जाए। तो लाखों दिनों पे राज करने वाले एक ऐसा व्यक्ति जो उन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया, अक्सर पब्लिक क्या होती, जो जनता होती है ऊपर लेवल तक यानी एसपी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाती, कोई भी कंप्लेन करना हो तो नीचे जो पुलिस अफसर होते हैं कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं जिसकी वजह से एसपी तक बात ही नहीं जाती। उन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जिस ऐप के तहत आप डायरेक्ट एसपी से कंप्लेन कर सकते हैं और आपका कंप्लेन कहां तक गया ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं। एक ऐसे अफसर के अन्नामलाई के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने लखनऊ से उन्होंने एमबीए भी किया। एमबीए करने के बाद उनका मन किया कि नहीं मुझे आईएएस आईपीएस तैयारी करना, आईपीएस के लिए तैयारी किए, आईएएस की तैयारी करे थे, लेकिन कुछ नंबर कम होने की वजह से वो आईएएस नहीं बन पाते, आईपीएस बनकर रह जाते। 6 महीने ही होते हैं उडुपी जिले में उनका ट्रांसफर होने के बाद, एक महिला आती उसकी बेटी 17 साल की उम्र होती है, उसके साथ लोगों ने रेप करते हैं, रेप करने के बाद उसको मार देते हैं। वो आती है और बोलती है क्या मेरी बेटी को वापस दिला सकते हैं। अन्नामलाई बनाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उसकी हमेशा याद रहे। तो उन्होंने उस जिले में एक उसी लड़की के नाम पे ऐसा योजना चालू किया कि जो भी लड़की 10वीं पास होगी उसको 10,000 रुपए महीने दिया जाएगा, ऐसा लॉन्च किया और जिसकी वजह से उनकी था वाहवाही बहुत ज्यादा हुई और इन्हीं कामों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे। 2019 में अचानक एक ऐसा दिन आता है जो डीसीपी रैंक के लेवल पे होते हैं और वो अपना इस्तीफा के अन्नामलाई सौंप देते हैं और बोलते थे मेरा जो पहला दायित्व मैंने निभा लिया, हर इंसान के जीवन में 3 दौर होता है, उस दौर को मैंने निभा लिया, अब आगे क्या करना वो बताते हैं। 2020 में वो जाकर के बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, वहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हो जाती है। और आज की बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि अन्नामलाई जो है वो तमिल के अंदर उभरता हुआ चेहरा युवा लीडर है, जहां अगर वो निकल जाते हैं तो उनकी रैली में लाखों लोगों की संख्या पहुंच जाती, हजारों के तादाद में उनको पसंद करने वाले, लाखों की तादाद में पसंद करने वाले आज के अन्नामलाई की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ साउथ के अंदर ही नहीं मौजूद है। आज बात किया जाए चाहे हिंदी बेल्ट हो, चाहे तमिल हो, चाहे साउथ, सब जगह उनका जो दबदबा है फैल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति हो कहते हैं कि जो वो मन से दिल से बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज जो 400 पार का मोदी जी का नारा है उसमें भी उनका सहयोग होगा और 400 पार का जो नारा है वो भी उसमें निभाने वाले, इस बार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हो सकता है जीतेंगे। और जो उभरता हुआ तमिल के अंदर चेहरा है अन्नामलाई के बारे में आप क्या जानते हैं और भी कमेंट करके कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।